गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री रहे स्वर्गीय यशवंत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात शिक्षकों को सम्मान किया गया। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय यशवंत सिंह एक शिक्षक नेता ही नहीं बल्कि एक समर्पित शिक्षक भी थे। वे अपना संपूर्ण जीवन छात्रों और शिक्षकों के उत्थान में व्यतीत कर दिए। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष दुबे, डॉक्टर संजय सिंह, आलोक सिंह, मधुसूदन शुक्ला, राकेश मौर्य, संजय मिश्र, अरविंद सिंह, दीपक शर्मा, मोहम्मद रफीक बेग, विवेकानंद मौर्य सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक ने कहा, और साथ में उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। आप लोग तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। मोहम्मद सिद्दीक साहब प्रधानाचार्य मुर्दुजा रूपे होते हैं। आज भी जब इस जनपद में शिक्षक संघर्ष की बात आती है, संघर्ष का वह जज्बा उनके अंदर था। हमें क्या करना है, यह पुण्यतिथि मनाने का, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये जो कार्यक्रम है, यह उसी महान उद्देश्य से जुड़ा। देखिए, ये कार्यक्रम जो है स्वर्गीय यशवंत सिंह स्थानीय महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और शिक्षक नेता थे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट है, उसके जिलाध्यक्ष रहे लंबे अरसे तक और उसके बाद प्रदेश के मंत्री रहे। आज के ठीक एक वर्ष पूर्व सहसा उनका निधन हो गया। तो आज महानगर के हमारे शिक्षक बंधुओं ने, क्योंकि वह एक लड़ाकू शिक्षक नेता थे, संघर्षशील शिक्षक नेता थे, और शिक्षक नेता होने के साथ साथ जो उनको में हमने स्वयं सबसे अच्छाई पाई थी, यहाँ पर बैठे हमारे कुछ शिक्षक नेता का बुरा नहीं मानेंगे कि शिक्षक नेता लोग क्लास कम लेते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन क्लास लेते थे, प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहते थे। आप जब कभी भी जाइए तो जो कॉलेज का समय होता है उतने समय में स्वर्गीय यशवंत सिंह जी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में ही मिलते थे। जबकि कहेंगे तो मैं भी अदब शिक्षक हूँ, शिक्षक नेता ही हूँ, डिग्री कॉलेज का अध्यापक हूँ, लेकिन कहेंगे तो शाही जी कहीं नाराज ना हो जाए, तो अमूमन शिक्षक नेता जेडी और डी एवस कार्यालय पर रहते हैं, दरअसली वाले फिर ना। लेकिन स्वर्गीय यशवंत सिंह ने एक लंबा संघर्ष किया, वो एक आदर्श शिक्षक थे और उनके निधन से शिक्षक बंधुओं में काफ़ी दुख भी व्याप्त हुआ। आज उनके प्रशंसक, उनके शिक्षक मित्र, उनके शिक्षक तमाम अनुयायी हैं, वो सब आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं लोगों ने ये आयोजन भी आज किया है। और मुझे श्री रामेंद्र चंद, जो उनके साथ काफ़ी अरसे तक काम किए, शिक्षक संघ के जिला महामंत्री, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं लखनऊ से चल करके आया और फिर कल लखनऊ जाना है हमको सुबह ध्वजारोहण के लिए। लेकिन यशवंत सिंह जी से हम लोगों के व्यक्तिगत भी संबंध थे, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और आज के इस अवसर पर मैं उनको जो है और उनके परिवार यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मृत्यु के सदमे को वो लोग बर्दाश्त करें और ईश्वर उनको ताकत दे कि वह लोग इस सदमे से उभर सकें। मैं स्वर्गीय यशवंत सिंह जी को आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। देखिए,
वो आदर्श शिक्षक थे। यह हुआ कि शिक्षकों का सम्मान समाज में जो है, शिक्षक आज समाज का पथ प्रदर्शक, शिक्षक आज समाज का सर्च लाइट, और आज भी समाज में कितनों क्षरण हुआ लेकिन फिर भी हम लोग गाँव से आते हैं, गाँव में अब भी शिक्षक का सम्मान है। अगर गाँव का भी बच्चा है, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो भाषा है, सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुरु जी पालगी, जो यह शब्द है आज भी शिक्षक को सुनने को मिलता है। तो शिक्षकों का सम्मान अगर शिक्षक नहीं करेगा तो समाज के अन्य वर्ग से हम उम्मीद नहीं करेंगे। इसीलिए आज कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों को, कुछ प्रधानाचार्यगण को, और कुछ जो है उनके सहयोगी मित्रों को जो उनके साथ संघर्ष किए थे, उनको आज सम्मानित किया गया है।